वो गमले पीछे से का दीवार की तरफ कर दो, दीवार की तरफ धोखे से ले। अरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं ठीक हूँ दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ना करम से आप लोग भी ठीक होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों ये देखिए, आज फाइनली घर में बेटी का काम लग गया। ये सबसे बहुत अच्छा काम हुआ। बड़ा टेंशन था कि कहीं भी वायर कभी बच्चों को लग जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि पूरे खुले वायर थे। कई बार धक्का बच्चों के सिर से धक्का लग जाता था तो पिन गिर जाती थी, या फिर खाली ऐसे ऐसे वायर थे खुले एकदम, ऐसे लगाते थे और मुझे आ नहीं रहा वो क्या बोलते हैं तो वो वायर भी कई बार ऐसे निकल जाते थे बच्चों के थोड़े से धक्के से। तो अल्लाह करके इतने दिन निकाल दिए हमने, 2 साल आपस में। अब आज हो जाएगा, फिर आज नहीं तो कल तक हो ही जाएगा। तो सब्ज़ी बन गई थी नीचे, नाश्ता हुआ भैया लोग, अब जल्दी जल्दी सब्जी बनाई, सब ढाकी चादर से इधर उधर सब सामान जितना बन पड़ा उतना। फिर ये ऊपर ले आई तो फिर ये बच्चे ने खाए हैं, और अभी टिफिन भी रोटी बना लो, टिफिन रख दूँगी, सब्जी रोटी भिंडी बनाई हूँ। मैं सोची रही थी कि वीडियो ऑन कर लें, कैमरा ऑन कर लें, मतलब कि थोड़ा बहुत शूट करूँ, वो मोहलत ही नहीं मिल पाई मुझे। तो अभी क्या टाइम हो रहा है बेटा, 11:30 है ना? हाँ 11:30 हो रहा है, 5 मिनट और ऊपर होगा, होंगे 5-10 मिनट ऊपर होंगे। तो मैंने किट्टू का बेटा थोड़ा ज़रा मोबाइल पकड़ लो तो थोड़ा सा है ना बना लेते हैं। नीचे का तो मैंने फिर अभी नीचे गई थी, चाय वगैरह बना कर आई। बच्चे यहीं पे पड़े, तीनों ने दोनों ने तो जल्दी से नहा लिए थे, तो इनका तो टेंशन ख़त्म हो गया, क्योंकि अभी तो स्कूल जाएंगे वो। अपन मेरा तो ऐसा है कि घर में रहूँगी तो मैं तो अपना करती रहूँगी। किट्टू के पापा की तबीयत थोड़ी गड़बड़ लग रही है, तो ठीक है दोस्तों अब मैं रोटी डाल देती हूँ और फिर मिलते हैं। और पूरा ना डब्बी का
दोस्तों घर पे बिजली का काम चल रहा था तो 7:45 बजे तक बिजली का काम चलता रहा। उसके बाद मैंने खाना सफाई करके खाना बनाई, हल्का फुल्का ही खाना बनाया था क्योंकि तक पापा की तबीयत गड़बड़ लग रही थी, इसलिए हल्का फुल्का ही खाना बनाए थे। और फिर मैंने जल्दी से खाना बनाई, 8 बजे तक हम लोग ने खाना खाए और फिर किटू के पापा ने भी खाना खाया, लेकिन फिर बाद में उन्हें तकलीफ़ होने लगी, जलन होने लगी छाती में। रात को 10:45 का टाइम था तो हमने कहा ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, उनको हॉस्पिटल ले गए हम और फिर एडमिट कर लिया हॉस्पिटल में इनको। और अब देखिए दोस्तों रात का 2 बज रहा है और मुझे तो नींद भी नहीं आ रही है और सारे मरीज उनके साथी लोग सब सो रहे हैं। दुआ करना दोस्तों कि इनको क्या प्रॉब्लम है वो सही हो जाए। मेरा अधूरा वीडियो था क्योंकि मैं वीडियो एडिट ही कर रही थी, उनकी तकलीफ़ होने लगी थी तो मैंने सोचा यहाँ फ्री बैठी हूँ तो थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, दुआ में याद रखना।